इसको डालने वाला हूँ इस वाटर के अंदर। हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट। मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको कुछ लाइव प्रूफ। सबसे अधिक क्वेश्चन आता रहता है सर, जो मैनफोर्स या विगोरा टेबलेट जो आती है ये कितने समय में काम करना स्टार्ट करती है। तो मैं आज इसी के विषय में आज प्रैक्टिकल आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, कितने समय में काम कर सकती है, क्या एक्शन इसका देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ लाइव गाइज। तो उसके लिए पहले हमारे पास क्या है, एक क्या है ग्लास है, ग्लास है, इसमें क्या करेंगे हम कुछ वाटर डालेंगे। वाटर के साथ मैं कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूं, जो कि आपके सामने सब कुछ होगा, कितने समय में क्या होने वाला है। तो गाइज, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके से अब लाइव प्रैक्टिकल के साथ वीडियो लाता रहता हूं मेडिसिन से रिलेटेड, ताकि आप उसको जान सके कि वो किस तरीके से काम कर सकती है, कैसे काम करती है, तो मैं आज बताने वाला हूं। तो गाइज, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके सामने दिख रहा होगा हमारे पास क्या है, ये वाटर है, बाटल की वाटर। सबसे पहले क्या करते हैं, इस ग्लास में आपको वाटर निकाल के दिखाता हूँ। इस ग्लास में क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाटर आपके सामने दिख रहा होगा, मैं वाटर ले लेता हूँ सबसे पहले एक ग्लास। इसके बाद क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं अब टेबलेट डालने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। गाइज, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस टेबलेट को एक टेबलेट निकाल करके इस वाटर में डाल के मैं दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि कितने समय में ये काम कर सकती है, विथ टाइम ड्यूरेशन के साथ मैं बता भी दूंगा कितना टाइम लगा। आप वीडियो को भी स्किप मत करिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना समय लगने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस टेबलेट को एक ठो निकालने वाला हूँ। तो गाइज देखिए, मैं एक टेबलेट इसमें से निकाल चुका हूँ। अब इसको एक टेबलेट को मैं क्या करने वाला हूँ, डालने वाला हूँ ग्लास में। तो गाइज, इसको समझिए कि जो ए ऊपर का मुंह है, मान लेते हैं अपना ओरल मुंह है, इसके बाद ये जो वाटर है मान लेते हैं स्टमक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपके सामने क्या है, इसको डालने वाला हूँ इस वाटर के अंदर। देखिए, वाटर के अंदर जा चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इससे स्टीर करूँगा, हिलाऊँगा, क्योंकि स्टमक जो होता है अगर कोई भी चीज़ें पाता है तो उसको क्या करता है, हिलाने का काम करता है। तो गाइज, मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसको स्टीर करने वाला हूँ, देखता हूँ कितने समय में ये घोल सकता है। तो देखिए गाइज, ये घोलना स्टार्ट हो गया है अभी अभी। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का हल्का, यहाँ पर घुलना स्टार्ट हो चुका है। ये टेबलेट ऊपर की लेयर जो है वो ख़त्म हो रही है अभी इस समय इसकी टेबलेट की। देखिए गाइज, कितना समय अभी लगेगा मैं क्लियर बता दूंगा आपको। देखिए, ये घुल रहा है अभी, आपको दिख रहा होगा कलर भी जो वाटर का है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये 100 mg जो आती है व्याग्रा या फिर मैनफोर्स जो आती है टेबलेट, उसकी हम मैं एक्शन दिखा रहा हूँ कितने समय में आपको काम कर सकती है आपके बॉडी में। देखिए गाइज, अभी ये अच्छी तरीके से घुल रहा है। देखिए, अभी थोड़ा सा बस बचा हुआ है, अभी आपको दिख रहा होगा वाटर का जो कलर है वो चेंज हो चुका है मेडिसिन की वजह से। देखिए, मैं दिखाता हूँ लाइव आपके सामने हो रही जो चीज़ें हो रहे हैं, मैं लाइव हर एक चीज़ लाता रहता हूँ। तो गाइज, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको सब कुछ दिख जाए किस तरीके से काम करता है, कितना समय इसमें लगता है काम करने में। तो गाइज देखिए, अभी भी थोड़ी सी टेबलेट दिख रही होगी यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरीके से अभी नहीं घुल पाई है, अभी घुल रही है, मैं दिखा रहा हूँ। जब घुल जाएगी पूरी तो इसकी टाइम ड्यूरेशन मैं नोट करके आपको बताऊँगा क्लियर कि कितना समय लग सकता है आपको ये दवा काम करने में, या फिर कोई भी दवाएं किस तरीके से काम करती है उसको भी मैं बताता रहूँगा इसी तरीके से लाइव। तो गाइज, सबसे पहले आज मैं इसका बताता हूँ, जो मैनफोर्स या व्याग्रा टेबलेट आती है वो कितना समय में आपको काम करना स्टार्ट कर सकती है। तो गाइज देखिए, अभी तक तो इसमें लगभग पार्टिकल्स धीरे धीरे इसमें घुल चुके हैं, बहुत हल्का फुल्का पार्टिकल्स बचे हुए हैं। देखिए गाइज, नीचे देखिए, बहुत ही हल्का फुल्का पार्टिकल बचे हुए हैं, और हमारे समझ से अभी अभी टाइम इसमें लगे हैं ज़्यादा ज़्यादा 1.5 मिनट, 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा हुआ है इसको घुलने में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ओरल से ले रहे हैं तो हमारे स्टमक में जब तक जाता है, और उसके बाद 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर टेबलेट क्या होती है, पूरी डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। इसके बाद क्या होता है गाइस, यही उसकी हम बताते हैं क्या होता है इसके बाद। गाइस, जैसे ही ये टेबलेट डिजॉल्व हुई पूरी अच्छे तरीके से, देखिए इसमें डिजॉल्व हो चुकी है, लगभग हमको समय कितना लगा, लगभग हम मान लेते हैं 3 मिनट। तो गाइज, अगर आपके ये टेबलेट 3 मिनट में डिजॉल्व हो जा रही है, इसके बाद क्या होगा, डिजॉल्व होने के बाद एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब मीन्स अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, जैसे अगर हम आपके पास क्या है, कोई भी ऐसा एक कॉस्टिक फार्म वगैरह है, अगर उसको आप वाटर में टच करेंगे तो खींचेगा अपनी तरफ। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद आपके बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में, मीन्स खून में, ब्लड में पूरा फैलाता है, जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ती है किसी मेडिसिन को काम करने का, उस मेडिसिन उस प्लेस पर जाता है। जैसे इसका काम क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को काम करता है, इरेक्शन पर काम करता है। तो क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, इरेक्शन गेट पर जाएगा, वहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद इसके बाद काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना फास्ट इस सब को दवाइयों का एक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ये घुलता है, जैसे आप दवाइयों की हार्डनेस होती है, कठोरता है, उसके अनुसार इसमें डिजॉल्व भी होता है, घुलता है। क्योंकि अब इतना अगर 3 मिनट में घुल गया तो इसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, लगभग मान लेते हैं वहीं 5 से 10 मिनट लगेगा आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में जाने में, एब्जॉर्ब होने में, और वहीं 10 से 15 मिनट और एक्शन करने लगेगा। मीन्स अगर हम बात करें टोटल ड्यूरेशन की, लगभग आपको 20 से 25 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर इसका एक्शन देखना स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यू लगातार। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मैं आज लाइव प्रूफ करके दिखाया हूँ कि ये मेडिसिन किस तरीके से
काम कर सकते हैं, कितना समय लग सकता है। तो गाइज ये कैसा रहा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार मैं कुछ अलग करने की कोशिश किया हूँ, ऐसे तरीके से मैं प्रैक्टिकली आपको बताता रहूँगा। गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो गाइज सबसे पहले एक नोटिस के रूप में बात कर ले, कोई मेडिसिन लेने से पहले किसी डॉक्टर या फिजिशियन से संपर्क जरूर करिएगा, तभी इसको यूज़ करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको हार्मफुल इफेक्ट दे सके, इसलिए संपर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।